प्रेरण, जरा इनके बारे में हम लोग सीखते हैं ये है क्या। सपोज मान लीजिए हमने 2KCLO3 लिया, क्या लिया 2KCLO3, ये है क्या, ये बच्चों पोटेशियम क्लोरेट है 2KCLO3। पोटेशियम क्लोरेट की बात करें तो ये 2KCl धन 3O2 में टूट जाएगा। हमने क्या लिया, पोटेशियम क्लोराइड एक पात्र में लिया और इसे गर्म किया, हीट किया, और कितना हीट किया 215 डिग्री सेल्सियस, 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसे गर्म करते हैं। तो पोटेशियम क्लोरेट दरअसल दो भागों में टूट जाता है, किसमें, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में, इन दो भागों में ये टूट जाता है। और यहाँ पर होता क्या है, जरा ध्यान देना है, अगर इस अभिक्रिया को कराने के लिए हम कोई पदार्थ नहीं मिलाएंगे तो क्या ये अभिक्रिया नहीं होगी, होगी। अभिक्रिया को कभी भी उत्प्रेरक प्रारंभ नहीं करता, अभिक्रिया ऑटोमेटिकली होती रहेगी। बट यदि इसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए थोड़ा हम MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड मिलाते हैं तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। पोटेशियम क्लोरेट से बहुत ही शीघ्रता से पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बन जाएगा। उत्प्रेरक अभिक्रिया के अंत तक अपरिवर्तित रहता है, यानी कि आप कह सकते हैं इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब जरा इन सभी के बारे में हम लोग सीखते हैं कैसे। आपने एक पात्र में पोटेशियम क्लोराइड लिया, इन्हें आप क्या किए 250 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए। होता क्या है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है, ठीक। आपने MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड मिला रखा था इसलिए ताकि अभिक्रिया और भी तीव्र हो जाए और शीघ्रता से पोटेशियम क्लोराइड दो भागों में टूट जाए, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में। कभी कभी विचारणीय प्रश्न ये हो जाता है कि क्या MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड भी अभिक्रिया करता, नहीं, यह अभिक्रिया के अंत तक अपरिवर्तित रहेगा, इसके मान में कोई चेंजिंग नहीं होगा। जितना आप मैग्नीज डाइऑक्साइड मिलाएंगे उतना आपको अंतर्गत मिलेगा भी। तो ये होता है उत्प्रेरक की खासियत, और ये जो पूरा घटना होता है ये कैटेलिसिस होता है। कैटेलिसिस मतलब उत्प्रेरण, ठीक। अगर सेकंड एग्जाम्पल की बात करें, अच्छा कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, बट कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते नहीं बल्कि घटा देते हैं। जैसे 2H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो यहाँ पर हाइड्रोजन परऑक्साइड लिक्विड फॉर्म में होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड को आप क्या करिए, गर्म कर दीजिए, तो ये 2H2O प्लस ऑक्सीजन में टूट जाएगा, तो ये भी लिक्विड होगा और ये गैस होगा। बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर हम H3PO3 की उपस्थिति में इसे हम हीटेड करते हैं, आर्थोफास्फोरिक एसिड यानी H3PO4। तो आर्थोफास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में जब हाइड्रोजन परऑक्साइड को गर्म करते हैं तो ये अभिक्रिया मंद हो जाती है, धीमे गति से जल और ऑक्सीजन में टूटेगा। तो आप कह सकते हैं कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें संबंधित होती हैं कैटलिस्ट उत्प्रेरक से संबंधित।